नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज हमारे बीच सुरेखा मैम नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो चलिए दोस्तों उनकी याद में एक ड्राइंग बनाते हैं। और ड्राइंग कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर ड्राइंग ग्रिड नाम सर्च करेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे वैसे आपके सामने का ऑप्शन खुल के चला आएगा। जो पहला ऑप्शन है उसको आप क्लिक करोगे। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपके सामने ओपन करना होगा सिर्फ। और इस तरह से आप यहाँ जो पहला ब्लॉग दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे और वहाँ पे जाके आप फ़ोटो को चूज़ कर लोगे। जैसे मुझे आज सुरेखा मैम को बनाना है तो ये मैंने फ़ोटो ले लिया, जिसके ऊपर ये जो मोटी लाइनें दिख रही हैं इसको और पतली करने के लिए ये जो माइनस वाला बटन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ एक लिख दोगे। ठीक है, तो लाइन देखो पतली हो गई है। अब क्या करोगे, इसको हम काउंटिंग नंबर कर लेंगे, जितने काउंट करना है। जैसे मैं 20 कर लिया, ठीक, ये 20 किया और इस तरह से ब्लॉक बन गए हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना होगा, ब्लैक एंड वाइट, ये BW लिखा है, ये BW ब्लैक एंड वाइट। ठीक, उसके बाद स्क्वायर लिखा है, यस क्यों, इसको स्क्वायर कर दिए तो इसके सारे ब्लॉक एकदम बराबर हो गए। उसके बाद ये लाइनें जो थी इसको यहाँ से रेड कर सकते हैं ताकि हमें सारी चीज़ समझ में आए। और इसको आप और कलर करना चाहो तो ये येलो हो जाता है, ये वाइट, तो रेड ही लेते हैं। और रेड लेने के बाद ये हमारा इस तरह से बन गया। अगर इसके बाद अगर जब आप बिगनर हो तो बिगनर के लिए काउंटिंग नंबर, मतलब हर ब्लॉक का एक काउंट नंबर रहेगा, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस पर नंबर लिखे होते हैं, इस तरह से नंबर आप ताकि आपको याद रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो ड्राइंग बनाने में। ठीक है, तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सारी बताऊँगा कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो अगर आप बिगनर हो। अगर नहीं बिगनर हो तो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं और इसको सेव करते हैं। ये हमने सेव कर लिया है, अब इसको हम बैक करके जाएंगे जहाँ पे हमने फ़ोटो को सेव किया है। ठीक है, फ़ोटो एल्बम में जाएंगे, ये यहाँ पे ये ड्राइंग ग्रिड का एक अपना बन जाता है फोल्डर, उसमें ये फ़ोटो है। ठीक है, तो ये फ़ोटो को हम अच्छे से बनाएंगे। तो चलिए अब क्या करना है कि जिस पर ड्राइंग बनाना है उस पर भी इस तरह से ग्रिड बनाना होगा। जैसे मैंने पहले से बना रखा है तो एक ब्लॉक जो होगा 2 सेंटीमीटर का होगा, सारे ब्लॉक 2 सेंटीमीटर के ही हैं। तो चलिए हम जो फोटो ब्लॉक बने उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे ये 7 8 9 9 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो 9 ब्लॉक इस पर भी काउंट करेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 9 ब्लॉक हो गए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से। तो बस अब आपको क्या करना है, ड्राॅइंग को देखना है और ड्राॅइंग को पूरा देखते हैं तो आपको आउट लाइन बनाना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। इस तरह से कोई नहीं समझाता होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही आराम से बहुत अच्छे समझाता हूँ ताकि हर कोई ड्राइंग सीख जाए। अगर जिसको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती होगी वो भी इस ड्राइंग को देखता है पूरा तो उसको भी ड्राइंग बनाना आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से बताऊँगा कि सब ड्राइंग बना सकते हो। बस आपको ड्राइंग, बस इसमें क्या करना है कि आपको बस स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को देखना है। और आप भी किसी की पोर्ट्रेट बना सकते हो, किसी की भी ड्राइंग बना सकते हो उसके जरिए। ठीक है, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है, इसको बोलते हैं ग्रिड मेथड, अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो आप भी अपने ड्राइंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जब इस तरह से ब्लॉक सारा चीज़ बन जाए तो उसके बाद आपको जो बाहर के जो फेस के बाहर के आउट एरिया जो आउटलाइन है उसको हम पहले आउटलाइन बनाएंगे, उसका आउटलाइन बना के अच्छे से पहले बना लेंगे। ठीक है, फेस के बाहर की चीज़ें उसको हम पहले आउटलाइन करेंगे उसका, उसके बाद हम फेस के अंदर वाले पार्ट को बनाएंगे आउटलाइन। ठीक है, तो आराम से एकदम टाइम लेके, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगी और बहुत ही रियल टाइम है तो रियल टाइम में आप नहीं होगी, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे से जैसे स्कूल के बच्चों को टीचर ने समझाता है वैसे ही बना एकदम। ठीक है, अब आराम से सारी चीज़ें ऐसी देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो कैसे बनाया जाता है आउटलाइन, सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक, तो बस आपको ड्राइंग देखना है और आउटलाइन कैसे बनाते हैं ये सीखना है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से अपने बारे में जो भी आपको नहीं आता बनाना, जो चीज़ नहीं आती, जो सारी प्रॉब्लम है आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए होगी तो आपको नेट पे मिल जाएगी और इनके नाम से सर्च करोगे, बहुत सारे इनके पेजेस हैं और गूगल कहीं भी सर्च करोगे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और नहीं मिलेगी तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम मेरी इसी नाम से आईडी है, इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से सर्च करोगे इंस्टा पे तो आप, मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊंगा।
और आपको मैं वहाँ से सारी चीज़ दे दूँगा, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जो पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। आउटलाइन आप किसी भी पेंसिल से बना सकते हो, जैसे कि मैं ये HB पेंसिल से बना रहा हूँ। ये HB पेंसिल बचपन में हम लोग नटराज पेंसिल का यूज़ करते थे, तो नटराज पेंसिल के ज़रिए ही आप आउटलाइन बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेडिंग करने के लिए आपको अच्छी पेंसिल का यूज़ करना होगा आपको, और बहुत सारी अच्छी पेंसिल हैं जो महंगी भी हैं, सस्ती भी मिलती हैं, तो आप सस्ती वाली पेंसिल का यूज़ कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। जैसे कि मैं तो अभी सस्ती वाली पेंसिल का यूज़ करता हूँ, जैसे आर्ट लाइन की है, फिर ये 70 रुपीज़ को मिल जाती है या 80 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको मार्केट में कभी कहीं ये कहीं कहीं पेंसिल 70 में मिल रही है, 80 में मिल रही हैं, 100 में मिल रही हैं, 140 में मिल रही हैं, तो ये सब अलग अलग रेट के मिलती हैं। तो आप जाके वहाँ से परचेज़ करोगे तो आपको ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर वो भी पेंसिल नहीं मिलती तो आप जाके कैमलिन की पेंसिल मिलती है, वो भी आपको 50 रुपये के आसपास मिल जाएगी, 50-60 रुपये की, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग बनाने के लिए बहुत सारी पेंसिल है, स्केचेस आप जाओगे स्केचिंग करने के लिए पेंसिल हो तो आपको दे देंगे, ठीक है। अप्सरा की पेंसिल भी अच्छी आती है, उसका भी यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन आउटलाइन बनाने के लिए आप किसी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो और बिंदास बन जाएगी। ड्राइंग को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनाया हूँ। आप इससे इंड तक देखेंगे एकदम से तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, कैसे बनाता हूँ मैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सारी चीज़ आपको इसमें दिख जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा ड्राइंग देखते हैं और एंजॉय करते हैं।
जैसे कि आउट एरिया बन गया, ठीक है, फेस के आउट एरिया बन गया। अब हम फेस की चीज़ें बनाएंगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये फेस के अंदर वाले पार्ट का, जैसे ठीक है, तो जैसे आई, नोज और लिप, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखना होगा यहाँ पे आपको, और तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी, आउटलाइन अच्छी बनेगी। अगर आउटलाइन अच्छी बन गई तभी आपकी ड्राइंग भी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना, बहुत आराम से देखना है, और इसमें आपको बस ब्लॉक को देखना है, कितने ब्लॉक में है, कितनी ब्लॉक की दूरी पे है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, तभी आपकी आउटलाइन अच्छे से बनेगी। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम आराम से बनाना है, कोई जल्दबाजी ना रहे। जब भी आप आउटलाइन बनाएं तो बहुत ही कूल माइंड से एकदम आराम से बनाएं, तभी ये बनेगी। अगर थोड़ा सा भी हड़बड़ा जाएंगे तो आपकी आउटलाइन नहीं बनेगी, ठीक है, या बनेगी तो बहुत ही आपको भी पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देके प्रॉपर इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो कल तक मैं इसकी शेडिंग भी डाल दूंगा कल तक, ठीक है, कल नहीं रहा, अगर नहीं रहा तो मैं परसों तक डाल दूंगा, ठीक है, एक दो दिन के अंदर ये आ जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें बस आपको देखना, क्योंकि ये ओल्ड पिक है, तो जैसे कि तो ओल्ड ड्राइंग बनाना थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस ड्राइंग को देखते रहिए, आपको सब चीज़ समझ में अच्छे से आएगा।
तो फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग है लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है, पूरी आउटलाइन अच्छे से बन गई, जैसा मैंने आपको कहा था कि आउटलाइन बहुत अच्छी बनेगी और अच्छी बनी भी है। ठीक है, इसके बाद हम शेडिंग करेंगे। आई होप कि आपको ये आउटलाइन बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत जल्द हम इसका दूसरा पार्ट ले आएंगे, उसमें शेडिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स जो लोग नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके आप मुझे बताइए कैसा बना हुआ है, मैं आपको उसको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको मिलते हैं एक नए ड्राइंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।